अस्सलाम वालेकुम प्रगतिशन फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब भाई ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे। अच्छा, आज का जो टॉपिक है इट्स अबाउट मस्क, अगेन मस्क, कि एक्चुअली जो हम लोकल मार्केट से मस्क ऑयल लेते हैं या मुश्क ऑयल लेते हैं या कस्तूरी ऑयल लेते हैं, वो बेसिकली है क्या? क्योंकि बचपन से मस्क के पीछे मैं बहुत ज़्यादा पागल रहा हूँ। जब मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे तो मैं लिमिटेड पॉकेट मनी के साथ शहालमी जाता था या मुख्तलिफ़ रिप्यूटेड ब्रांड्स के पास जाता था और उनसे कस्तूरी का ऑयल या मुश्क ऑयल लेता था। और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने हालात को बेहतर किया तो मैंने ख़ुद मुख्तलिफ़ रीजन के मस्क ग्रेन्स को एक्वायर किया, उसको मैसेरेट किया। ये सब नीचे मैसेरेशंस पड़ी हुई हैं, ये पूरा बॉक्स जो ओवर द ईयर्स मैंने ख़ुद मैसेरेट किए हैं। और अब मैं आपके साथ वो सर्वे शेयर करूँगा जो सर्वे मैंने ख़ुद किया, कुछ रिप्यूटेड शॉपकीपर्स का प्लस दोस्तों का, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो, आप कंक्लूड करें कि एक्चुअली जो मार्केट के अंदर यानी जो लोकल मार्केट में पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में मुश्क ऑयल या मुश्क अतर मिलता है वो एक्चुअली है क्या, और क्या वो असल है या वो एक्चुअल मस्क ग्रेन्स से निकला हुआ है। तो आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। ये ख़ास किस्म का हिरन होता है और वो नेपाल में भी और इंडिया के कुछ इलाकों में पाया जाता है, जंगली इलाकों में। और वो उस हिरन के खाल के अंदर एक घूमड़ा सा बन जाता है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे वो जिसम में किसी एक दाना सा बन जाता है, वो दाना जब सड़ते 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 बिल्कुल सूख जाता है तो फिर उसका भी इसी तरह एक दाना सा थोड़ा सा बनता है, वो गोल सा होता है इस तरह। जैसे मैं आपको उसको अगर आप नेट पे अगर आप देखें वो इस तरह होता है कि जैसे आपने यूँ कर लिए, यूँ यूँ इस तरह की शक्ल होती है, सही, ठीक है ना। अब वो एक ये समझ लें कि वो इस तरह करके उसके अंदर एक पाउडर नुमा एक ख़ास चीज़ होती है, वो पाउडर समझ लें कि जैसे आप ज़ाफ़रान होता है ना, ज़ाफ़रान जैसे ज़र्रे होते हैं इसके अंदर और वो ब्लैकिश होती है, ठीक है। वो अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास मखलूक के लिए एक ओरिजन होती है और वहाँ से फिर ये जो है ना वो फिर एक ख़ास टाइम होता है कि उसके बाद वहाँ इन लोगों को जो इल्म होता है उसको वो छुरी से या किसी से जो है ना उसको अलहदा कर लेते हैं। और फिर उसके बाद उसकी कीमती चीज़ है, वो इतनी एक कीमती चीज़ है कि इस वक्त गालिबा मेरे ख्याल में 2.25 लाख रुपये की 10 ग्राम है अभी जो पोजिशन है। बेसिक असल में इशू हमारे यहाँ पे ये है कि एक तो हमारे जो मस्क है ना, मस्क हिरन की नाप से आता है और इतने हिरन, वही बात है कि जो हिरन इतने कहाँ से हम अवेलेबल करें, ठीक है, मार्केट के अंदर। एक दूसरी बात ये है, फिर एक तो महंगा बहुत है, ठीक है, प्राइस आप एक एक बंदे को मतलब कोई आता है शौकीन आता है लेना। अब यहाँ पे तकरीबन 100-150 दुकान है, ठीक है। अब 100-150 दुकानों पे अगर आप चलने लगे तो उसके अंदर आपको हर दुकान पे, अगर एग्जांपल देता हूँ हिरन के, वो रखते भी हैं मस्क ओरिजिनल रखते भी हैं, तो यार इतना कहाँ से लेता है? ऑब्वियसली ऑल दी वर्ल्ड में चलता है, फिर अगर कोई खरीदता भी है तो बहुत एक्सपेंसिव, इतना एक्सपेंसिव है कि कई दफा दुकानदार की अपनी जेब भी जा रही है, अफोर्डेबिलिटी नहीं किसी के लिए। आप लेके रखें उसको, एक इन्वेस्ट करके रखना और फिर वो देना किसी को, वो बहुत ज्यादा ना, उतने में आपकी और 10 चीजें आ जाती है, तो 10 चीज आ जाती है जिसमें अगले के लिए भी लगा रही थी। अब वो आप एग्जाम्पल देखो, आप 1 ग्राम लगाते हैं तो तकरीबन आपने 10,000 रुपए का लगा दिया, अल्लाह का शुक्र एहसान है। इस वक्त मस्क का डेली में ना तकरीबन ये समझ लें कि अल्लाह का शुक्र एहसान है कि डिफरेंट किस्म की मस्क है इस वक्त मेरे पास अवेलेबल है। एक ये समझ लें एक प्योर मस्क है, बिल्कुल प्योर, ये समझ लें कि उसके अंदर ये, अच्छा एक और बात बता दूँ, प्योर क्या कह रहा हूँ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है। अगर हम बिल्कुल प्योर कह देंगे ना तो उसका मकसद ये है कि इसके अंदर तकरीबन 60-40 के रेशो है। तो अगर आप इसको देखें तो ये कश्मीरी मस्क है 10% के अंदर, नीचे ग्रेन्स हैं, इसके कलर का आप आइडिया लगाएं। वेल, अगर आप देखें तो ये जो इसके नीचे पोर्शन है सारा इट्स ग्रेन्स और ऊपर सारा संदल है। ये ऑलमोस्ट 1 साल हो गया इसको मैसेरेट हुए हुए,
ये उसके अंदर देखिए अतर तो नहीं होता, लकड़ी तो है नहीं ऊंट की, ये एक बुरादा होता है, ये इसके अंदर खास स्पेसिफिक जो है ना वो एक डाला जाता है, इसकी बेस होती है संदल, इसके अंदर एक दो उतरियात और भी डलते हैं, उसके उसको कशीद के फिर उसको जाती है, समझ लो कि उसका उसकी खासियत मिल जाती है वो, फिर उसके बाद उसकी डिवेलपिंग जो है ये होती है चीज़। सही, ये आपको नेट पे भी मिल जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही आप चेक कराएंगे अगर कोई मस्क के बारे में। हाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी रिसेंटली मैंने जो है ना वहाँ से मंगवाई है इंडिया से। सही, अच्छा बेसिकली ये उनका कुछ अतरियात के बीच में फिर मस्क को मैसेरेट किया जाता है। मैसेरेट किया जाता है, ये है सब चीज़। सही, और इसका क्या रेट है सर? ये सब ये 25,000 रुपये तोला है। ठीक हो गया, और इसमें वेल अगर आप मस्क ग्रेन्स की तरफ जाएं तो साइबेरिया की जो ग्रेन्स हैं इट्स द चीपेस्ट वन। आज के दिन अगर आप इसकी प्राइस निकालें तो पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको 26 से 28,000 रुपये पर ग्राम ये कॉस्ट करेगी, और कश्मीरी मस्क इसके इक्विवेलेंट बहुत महंगी है। फिर मैसूर का संदल, उसकी प्राइस ऑब्वियसली हार्ड टू एक्वायर और बहुत महंगा। आपने 1 ग्राम लगाया 10,000 रुपये का, बिल्कुल बिल्कुल 10 ग्राम आपका 1,00,000 रुपये का सर, तो चीज़ है नहीं मार्केट के साथ है। आपको वो चीज़ें जो है ना थोड़ी सी हमारी मार्केट के अंदर इसी उसमें ना केमिकल वेस्ट में चलती है, उसकी रिप्लेसमेंट में जो चीज़ है। हाँ इसके अंदर ना सिंथेटिक बहुत ज़्यादा है। ठीक हो सकता है, इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा ये है कि ये तो मैंने आपको प्योर दिखाई है ना, इसके अंदर ये समझ लें कि जिसके पास होगी ना उसके पास ये चीज़ नहीं होगी, 100% कह रहा हूँ मैं आपको, ये इसकी पूरी श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ ये इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, ये नेचुरल के ऊपर। और इसके अंदर ये मैं एक और बात बता दूँ कि बेसिकली होती है ये पतलेपन में होती है, लेकिन ये गाड़ी हमने स्पेशली वहाँ से मंगवाई इसलिए कि गोरों की डिमांड थी कि गाड़ी होनी चाहिए। अच्छा। उनके माइंड सेट था कि गाड़ी होनी चाहिए, उन्होंने गाढ़ा करने के लिए इसके अंदर ऐड किया है। ये मैं आपको एक खास गाड़ी क्या चीज़ उसने ऐड की है, ऊद ऐड किया है या क्या चीज़ ऐड की है, लेकिन इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 60% जो है ना मस्क है। संदल तो बिल्कुल आप फील कर लेते हैं, वो तो है उसके अंदर ये चीज़। सही, इसके अंदर आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ है, और ये खासकर स्पेसिफिक कपड़ों पे लगाने के लिए, जिस्म पे लगाने के लिए। अगर आप देखिए ना ये आप अपने अपने हाथ पे लगा रहे ना, अगर प्यारा पेड़ होगी ना तो जलन होगी। सही, ये जलन नहीं होगी आपको। सही, ये जितना भी आप लगाएंगे ना आपको उतना ही मज़ा आएगा, और जितना रगड़ेंगे उतनी ही खुशबू इसकी फैलेगी। सही सही सही, माशाल्लाह। और इसकी सेल तो मेरे ख्याल बहुत मस्त है। मेरी डेली में बताया ना, मेरी ये सेल जो है ना यहाँ पर लोकली तो नहीं है, इंटरनेशनल है। मेरी ये सेल जो है ना इस वक्त कनाडा USA तो डेली इसकी अल्हम्दुलिल्लाह 3-4-5 तोले तो डेली जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अगर ओरिजिनल मस्क के अंदर जाते हैं ना तो उसके अंदर ईटी टेस्ट है, ठीक है, लेकिन मार्केट के अंदर 4-10 तरह के टेस्ट मस्क के अंदर 4-10 तरह के टेस्ट। अब जैसे बॉडी शॉप ब्रांड आपने सुना होगा, जिसका एक ब्लैक मस्क आता है, ठीक है, उसका ब्लैक मस्क नाम चलता है, उर्दू में आप कह रहे तो मुश्क आता है, ब्लैक मुश्क, बिल्कुल ठीक है। और अगर दूसरे ब्रांड्स में चले जाएं जो बड़े ब्रांड्स हैं उसके अंदर इसे ना आता है सिल्क मस्क, सिल्क मस्क। अब सिल्क मस्क भी इवन सिंथेटिक होने के बाद भी महंगा, सिंथेटिक होने के बाद भी महंगा है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनलिटी के करीब है थोड़ा। अच्छा, टेस्ट में वो नेचुरल वाइज नहीं, टेस्ट में, ठीक है, और नेचुरल लाने से तो हम रहे उम्मीद है कि तमाम भाई खैरियत से होंगे। ये अभी मुझे मुश्क के बारे में पूछा गया है, असल में नाफा मुश्क करके जितने भी ब्लेंड्स पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर या बांग्लादेश के अंदर जो मैंने देखे हैं उनमें तकरीबन आलमोस्ट सारी सिंथेटिक हैं। बेसिकली तमाम जो इतर कंपनियां या परफ्यूम कंपनियां ना उन्होंने नेचुरल को कॉपी किया, और कुछ की लेदरी नोट्स आते हैं ज़्यादा, कुछ में ब्लडी नोट्स हैं, कुछ में जोनस है वो मस्की नोट्स ज़्यादा है।
लेकिन जो लोग उसको ओरिजिनल कह के सेल करते हैं ना, वो गलत है। क्योंकि ओरिजिनल मुश्किल नाफा जो उनसे ना, वो कभी भी सिंथेटिक ऑयल में डिसॉल्व नहीं होती, ना ही उसको करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें वो हो भी जाए ना, तो उसको इतनी महंगी, वो एक्सपेंसिव आइटम है, उसको किसी भी सिंथेटिक केमिकल सिंथेटिक कैरियर ऑयल में डिसॉल्व नहीं करते। आम तौर पर मुश्क को जो सा वो सैंडलवुड ऑयल के अंदर या रोज़ ऑयल के अंदर जो सा है, या कोई और दूसरा नेचुरल ऑयल है, उसमें डिसॉल्व किया जाता है। और मुश्क नाफा, ब्लैक मस्क, डियर मस्क, ये बेसिकली एक ब्लेंड का नाम है जो हर कंपनी ने अपना अपना एक सेट किया हुआ है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन यही है, तकरीबन 25-30 साल से हम यही देख रहे हैं, और मुख्तलिफ हाउसेस के, इंडिया के, पाकिस्तान के या अरब के, उनमें सब में देखा गया। हाँ, कुछ बहुत हाई सुपीरियर क्वालिटी की ब्लेंडिंग है वो महंगी हैं, और कुछ नॉर्मल जो उनसे हैं वो अच्छे रेट्स पे मिल जाती हैं मार्केट से। यानी कि इसको आप ये कह लें कि पाकिस्तान के अंदर, अरब के अंदर मुश्क गज़ाल, मस्क गज़ाल या मस्क गज़ाला के नाम से भी ये ब्लेंड मिल जाते हैं। मुश्क नाफा, नेपाली मुश्क, इस तरह भी जो उनसे वो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उसके अंदर 1% भी जो सा वो नेचुरल मुश्क का जो सा वो ज़र्रा नहीं होता। केमिकल्स हैं सारे, अच्छी ब्लेंडिंग की हुई है केमिकल्स की, सिंथेटिक ऑयल्स हैं, और बाज़ दफ़ा सैंडलवुड, सिंथेटिक सैंडलवुड जो सा वो उसको ब्लेंड कर दिया जाता है उसमें। वेल, डैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपने खुद जज किया होगा, और इसको कंक्लूजन में आई वुड अप्रिशिएट कि आप खुद इसको कंक्लूड करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें कि एक्चुअली आपको क्या समझ आया। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।